नमस्कार, इस समय हम हैं लखनऊ के जोन एक के अंतर्गत बांसमंडी चौराहे के पास बने इस कूड़ाघर के डंपिंग पॉइंट की स्थिति को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कूड़ा बाहर पड़ा है। अभी हाल ही में नगर आयुक्त जी ने कहा था कि कूड़ा बाहर नहीं डाला जाएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की स्थितियाँ हैं यहाँ पर। ये बांसमंडी चौराहा फ्लाईओवर के नीचे का नज़ारा है, ये कूड़ा डंपिंग पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे, और ये कूड़ा पूरा आप देख रहे होंगे कि रोड पर ही है। ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक भी है यहाँ पर, और बगल में हमारे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस्कॉन मंदिर है, आपको वहाँ पर भी हम लेके चलेंगे। आइए चलते हैं। और सामने आप देख रहे होंगे कि एक हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे रहने वाले लोगों और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये इस्कॉन मंदिर है, अभी आपने हनुमान मंदिर आगे देखा, बिल्कुल जस्ट सामने उसके ये कूड़ा डंपिंग पॉइंट है, और कूड़ा डंपिंग पॉइंट की स्थिति इस तरीके से है कि नगर आयुक्त के निर्देशों की खुलेआम यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम रोडों पर कूड़ा डाला जा रहा है, ब्लीचिंग वगैरह भी यहाँ पे नहीं होती है, जिससे कि तमाम तरीके की मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं और उनसे बीमारियाँ फैलती हैं। LSE कंपनी के अंतर्गत ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं जो घर घर से कूड़ा उठाती हैं और यहाँ पर आकर कूड़ा को खुले में ही डंप कर देती हैं। क्यों ये खुले में ही कूड़ा डालने के लिए आप लोगों को बोला गया है? अक्सर यहाँ पे बना हुआ है, सब लोग यहीं पे डालते हैं, बाकी सुपरवाइज़र हमारे सब यहीं पे आते हैं, बैठते हैं, इस टाइम नहीं है। जी, तो डंपिंग पॉइंट भी तो बनाया गया है, ये डंपिंग पॉइंट ये देख रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए डंपिंग पॉइंट की स्थिति की। ये डंपिंग पॉइंट बाकायदा बनाया गया है, मगर फिर भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो सुपरवाइज़र क्या कहते हैं आपको कि खुले में ही कूड़ा डाल दीजिए? अब वो लोग नहीं कहते हैं, बाकी तो पहले से कूड़ा आगे पहले से पड़ता हुआ आ रहा है ना, अभी से नहीं पड़ रहा, बहुत पहले से पड़ रहा है ना। इस तरीके की स्थितियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्लीचिंग वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं होता है, किस तरीके की गंदगी का अंबार है। यहाँ के आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो राहगीर निकल रहे हैं उनको काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ता है यहाँ से गुजरने पे। किस तरीके से आवारा पशु जो है वो इस कूड़े के बीच में जाके पॉलिथीन वगैरह खाते हैं और इस कूड़े को फैला देते हैं। यहाँ से उत्पन्न बीमारियों से डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। कृपया नगर आयुक्त जी इस मामले को संज्ञान लें, इस कूड़ाघर को कहीं और स्थानांतरित करने का प्रयास करें। कुछ लोग जो यहाँ के आम नागरिक हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं, हम लोग यहाँ से बहुत परेशान हैं। यहाँ जो कूड़ा है वन साइडेड हो गया है और घर में भी हमारे बदबू आती है, बहुत बगल में ही हमारा घर है प्रतिभा प्रेस के बगल में, तो ये कूड़े का तो यहाँ पे सब बहुत परेशान है। कौन मंदिर भी है सामने, हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने भी आते होंगे। बदबू तो आती है, फिर साफ सफाई तो होनी चाहिए, हम तो इसके खिलाफ है। ये वन साइडेड पूरा कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो हम लोग सब खिलाफ है, लेकिन ये कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा तो मोहल्ला इतना प्रतिभा प्रेस के जस्ट बगल में है हमारा मकान, और बहुत खराब हो गया यहाँ पे, और घर में तक बदबू आती है जब कूड़ा उठता है। जो अधिकारी है, वन साइडेड होना ही नहीं चाहिए, वन वे हो रहा है ये। नगर आयुक्त के आदेशों के बाद भी जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं वो खुलेआम नगर आयुक्त के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पे हैं, यहाँ के आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, विरल टाइम्स।